आजादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर 9 से 15 अगस्त तक मेरी माटी मेरा देश अभियान मध्य प्रदेश के सभी गांवों में सफलतापूर्वक चलाया गया। इस संबंध में केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय की सचिव मीता राजीव लोचन ने उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान भोपाल में रुद्राक्ष का पौधा लगाया। इस दौरान NSS वॉलंटियर्स ने केंद्रीय खेल सचिव का जोरदार स्वागत किया। केंद्रीय सचिव ने बताया कि कार्यक्रम देश भर में जन भागीदारी और विशेषकर युवाओं की भागीदारी से सफल रहा है। देश के 3,65,000 गांव और शहरों में इसका आयोजन किया गया, साथ ही करीब 4 करोड़ लोगों ने पंच प्रण की शपथ ली। उन्होंने बताया कि प्रदेश में माटी को नमन वीरों का बंधन की भावना के साथ इस अभियान के तहत 28,000 से ज्यादा पंचायतों में कार्यक्रम हुए, जिसमें 25,000 से ज्यादा अमृत वाटिका का निर्माण किया गया और 17,00,000 से अधिक पौधों का रोपण किया गया। युवाओं का बहुत महत्व है इस अभियान में और आप युवा मंत्रालय के सचिव हैं आप, तो युवाओं के लिए आप क्या संदेश देंगे, क्या उनको मोटिवेशन देंगे कि वो तमाम जो राष्ट्र की गतिविधियां हैं राष्ट्र निर्माण की उसमें वो सहयोगी हों, उसमें वो भागीदार बने, क्योंकि PM भी हमेशा कहते रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की युवाओं को बहुत हर क्षेत्र में आगे आना होगा। मुझे लगता है कि ये कार्यक्रम युवाओं की वजह से ही इतना ज़्यादा यशस्वी रहा है। जो इस कार्यक्रम में आज तक हमें करीबन 1,50,000 वीडियो प्राप्त हुए, वो जितने भी वीडियो प्राप्त हुए हैं वो युवाओं ने ही बनाए हैं, और वो वीडियो अगर आप देखें तो उसमें दिखता है कि अलग अलग विद्यालयों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में और ग्राम क्षेत्रों में भी जो अनेक तरीके के प्रोफेशंस में युवा हैं वो सब इस कार्यक्रम से जुड़े हैं, तो उन्हीं की वजह से यशस्वी हो चुका है। मुझे लगता है कि ये हमें कहना चाहिए। मीता राजीव लोचन ने मेरी माटी मेरा देश अभियान के लिए मध्य प्रदेश की विशेष सराहना की